मैट्रीमोनियल केस आ मियां बीवी दी आपस दे विच कदी झगड़ा हो जांदा सी, कदी चलो सुलह सफाई हो जांदी सी। ते परसों चौथ ही दोवां ने कोर्ट दे विच अपनी सुलह सफाई लिख के ते कोर्ट दे विच सारा कुछ अपना जो भी रिक्वायरमेंट सी पूरियां करके ते घर आ गए आ। इहदा वीर दा मैनूं फोन आया कि वीर जी हुण आपां की करना चाहुंदे आ कि बच्चे दा किद्दां करिए। तो मैं कोई गल नहीं, बच्चा सवेरे आपां लैवांगे, बच्चा नानके ही कि वड्डी गल आ, पर सानू जे पता हुंदा इस गल दा कि इदां वो कर सकदा ते फिर तो अं रात ही दरखास्त दे के रात ही भावें बच्चा चक के लिआउणा पैंदा लै आउणा सीगा। बट बेहद शर्मनाक गल आ, बच्चे दी बच्चे वल वेख्या नहीं जाता कि तुसीं उहदी तस्वीरां देख के भी तुहाडी रूह कंब जूगी कि इहो जिहा घनूने काम होंदे। बहुत कलयुग आ चुका, नाने का कभी सुनिया नहीं कि नाना ही अपने दोते नूं मार दे, वो भी एहोजी मौत तड़फ तड़फ के। बहुत दुखदाई घटना वा। अज असी बच्चे की लाश जी बरामद कर ली है, तो पोस्टमार्टम लिए अं सिविल होस्पिटल लैके आए हैं। दोषी साड़ी गिरफ्त से रिमांड ते आ, पुछगिछ इन्वेस्टिगेशन जी फेयर ते पार्शल चल रही है। तो इस मुकदमे की तफतीश नूं असी अंतले अंजाम तक ऑन मैरिट लैके जावांगे, तो जिहड़ा दोषी आ उहनूं वध तों वध सज़ा करावांगे। फिलहाल जिहड़ा वा जो साड़ी हुण तक की इन्वेस्टिगेशन दौरान अमरजीत सिंह दोषी पाया गया वा जिहड़ा साड़ी